नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। सियासतनामा में आज बात होगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासतदारी की। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की सियासी खबरों से। तो मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल देखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे ने मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए बूस्टर डोज का काम किया, लेकिन इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात ने सभी को चौंका दिया, जिसके अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इधर तो पहले भी लग रहा था कि शाह के दौरे से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या हुआ है देखते हैं इस रिपोर्ट में। 22 अगस्त को जब बीजेपी के शिल्पकार शाह का भोपाल दौरा था, तब इंदौर में बीजेपी के दो बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही थी। मुलाकात भी उन नेताओं की जिनके बीच सियासी कमान हमेशा खींची रही। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बेटे महाआर्यमन के साथ इंदौर पहुंचे थे और अपने कभी धुर विरोधी रहे कैलाश विजयवर्गीय के घर लंच भेज दिया। दोनों नेताओं ने एक साझा पीसी की। सिंधिया ने विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में काम करने का बयान देकर मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी। सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उसके सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में पार्टी आगे बढ़ाने की बात कही, कैलाश विजयवर्गीय के साथ मिलकर काम करने की बात कही। कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, एक बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय इस्पात और नागर विमानन मंत्री हैं। इंदौर जाएंगे तो कैलाश विजयवर्गीय जी से मिलेंगे, क्योंकि कैलाश जी सिंधिया जी दोनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता हैं। अब यदि कांग्रेस को इसमें राजनीति दिखती है या कांग्रेस की बुद्धि विवेक कुछ और कहता है तो कांग्रेस के विषय है। इधर कयास लग रहे थे कि शाह के दौरे से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है। चर्चा गर्म थी, हालांकि अफवाह हवा हवाई साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी तीन समूहों में बटी हुई है, शिवराज, नाराज और महाराज। शिवराज और नाराज महाराज को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के वहाँ राजनीतिक आत्मसमर्पण किया है, और महाराज तो कहीं बिना बुलावे के जाते ही नहीं हैं। मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कैलाश विजयवर्गीय जी के वहाँ ना केवल बिना बुलावे के गए हैं, बल्कि यह भी कहा है वीडियो में कि मैं सरप्राइज देना चाहता था आपको, अपने बेटे से उनके पैर भी छुआए हैं। तो ये कल्चर जो नया सामने आ रहा है वो इस बात का प्रतीक है कि महाराज के दुर्दिन प्रारंभ हैं। पूरे प्रदेश में चर्चा विजयवर्गीय को मार्गदर्शक बताने की टाइमिंग को लेकर के भी ज्यादा है। वक्त ऐसा चुना गया जब शिवराज को बीजेपी के नेशनल कमेटी से बाहर रखा गया और मालवा के ही सत्यनारायण जटिया का 76 साल की उम्र में राजनीतिक कद अचानक बढ़ा दिया गया। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल से फ्री करके अभी तक कोई बड़ा दायित्व तो नहीं सौंपा गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच सिंधिया अचानक विजयवर्गीय के घर क्यों पहुंचे, और दो धुर विरोधी रहे नेताओं के बीच ऐसे सौहार्द के मायने क्या हैं? क्या मिशन 2023 के लिए कोई नया समीकरण तैयार हो रहा है, जिसका खुलासा वक्त बीतने के साथ ही हो सकता है। डेस्क खबर भारत। तो मध्य प्रदेश की सियासत में जहां सिंधिया और विजयवर्गीय की मुलाकातों के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ किलेबंदी की तैयारी में है। विधानसभा चुनावों में करीब 1.5 साल से अधिक का वक्त अभी बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश सरकार को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों पर घेरते हुए आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी करने जा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है। इसे लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को भी अध्यक्ष पद की कमान सौंपी और पारस सखलेचा को समिति का उपाध्यक्ष बनाया। देखिए इस रिपोर्ट में। मिशन 2023 को लेकर जहां बीजेपी की लगातार मैराथन बैठकें हो रही हैं, वहीं कांग्रेस भी अब नई तरकीबों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर हमलावर है और प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाकर किलेबंदी की तैयारी में है।
कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने खबर भारत से चर्चा के दौरान कहा, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरह से अपराध, भ्रष्टाचार और सभी तरह के संगठित अपराध एक तंत्र का हिस्सा बन गया है। प्रदेश में 25,000 झूठी घोषणाएं, भ्रष्टाचार के बांध टूट रहे हैं, तमाम जगह पे अधिकारी कर्मचारियों की काली कमाई पकड़ी जा रही है, पूरी तरह भ्रष्टाचार तंत्र मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी सभी तरह के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचारों के ऊपर एक आरोप पत्र तैयार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी आरोप पत्र समिति के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक पारस सकलेचा सह प्रभारी बनाए गए हैं, दोनों मिलकर आरोप पत्र ला रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस के आरोप पत्र बनाए जाने पर बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा, 15 महीने के आरोपी जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया, किसानों को धोखा दिया, लिखित में ये पहली सरकार बनी इस प्रदेश में जिसने लिखित में धोखा दिया कि 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, एक भी किसान का नहीं किया, किसी बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, इनसे बड़ा आरोपी कौन है, इनसे बड़ा अपराधी और कौन है, ये किसके खिलाफ आरोप पत्र ला रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में तबाही मची हुई है बाढ़ से, हमारे मुख्यमंत्री दर दर घूम रहे हैं, इस खेत से उस खेत तक जा रहे हैं, इस नहर से उस नहर तक जा रहे हैं, कमलनाथ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में दोनों ही दल कांग्रेस और बीजेपी पारंपरिक प्रतिद्वंदी हैं और अगले चुनाव में फिर आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा क्योंकि चुनाव है और सत्ता में वापसी दोनों ही दलों की सरकार है। आरोप पत्र को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने तथ्य हैं। कोई भ्रष्टाचार की बात कर रहा है तो कोई 15 महीनों के काम पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल 2023 विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है और चुनावों में जनता किसका साथ देगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। भोपाल से कैमरामैन सन्नी के साथ प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट। तो सरकार की किलेबंदी की तैयारी में है कांग्रेस। अभी बात करें हाल ही की तो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के बाद अब सियासी दलों में जुबानी जंग जारी है। गुरुवार को राजधानी भोपाल के पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस संगठन की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे। सभी जिलाध्यक्ष, प्रभारी और विधायकों को बैठक में शामिल होने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही बैठक में नदारद रहने वाले लोगों पर कार्रवाई की भी बात निकलकर सामने आ रही है। बैठक में संभागीय सम्मेलन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सहित संगठन की आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के होने वाली इस बैठक पर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने जुबानी हमला करते हुए चुटकी ली है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ की ट्वीट राजनीति ड्राइंग रूम तक आते आते खत्म हो जाती है। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार कर बीजेपी के हमले का जवाब दिया है। कांग्रेस संगठन के उपाध्यक्ष चंद्र प्रभास ने कहा कि इस समय बीजेपी जाति के आधार पर तोड़ने का अभियान चला रही है। हालांकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लगभग 1.5 साल का वक्त बचा है, उसके पहले राजनीतिक दलों के बीच बैठक की प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। ये बैठक किसके पक्ष में जाती है, सवाल ये है कि क्या खेमों में बटी कांग्रेस इन्हीं बैठकों से 2023 का सपना साकार कर पाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो ये धर्म और कर्तव्य है कि वे उचित अनुचित आलोचना करें। हम क्या काम कर रहे हैं बड़ी बारीकी से वो देखते हैं, तो वो अपने उनका एक दृष्टिकोण, उनके काम करने का तरीका है। हमारी विभिन्न गतिविधियों पर वो केवल आलोचनात्मक जो है टिप्पणियाँ करते हैं जो अनुचित है। अब भारत जोड़ो अभियान का साफ मतलब है कि देश में जो इस समय तोड़ने का अभियान चल रहा है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जो खरीदी बिक्री के आधार पर सरकारें गिराई जा रही है, जो देश में अराजकता का वातावरण बन रहा है, मीडिया को जबरदस्ती अपने प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किया जा रहा है, देश में जो संविधान के तहत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो राहुल जी इन सब बातों को लेकर भारत जोड़ो एक यात्रा कर रहे हैं। पूरे देश में वो जाएंगे, लगभग 3,000 किलोमीटर से ऊपर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे और कांग्रेस के संदेश को, कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष नीतियों को, संविधान में प्रदत्त नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। संगठन हमारा उस पर मजबूत होगा, तो उनकी आलोचना से हम डरने वाले नहीं है। हमें हमारा जो दायित्व है देश में, उस दायित्व को हम निभाएंगे। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 200 पार का लक्ष्य रखा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, वहीं पर कांग्रेस ने 200 ट्विटर फॉलोअर्स का लक्ष्य रखा है। तो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी जिस तरीके से ट्विटर की राजनीति करते हैं और ड्राइंग रूम में आते आते तक रणनीति समाप्त हो जाती है, ये जो भारत जोड़ो आंदोलन है, ये कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से देश को तोड़ने का काम किया है,
भीषण विभीषिका का सामना करना पड़ा है अपने हित के लिए, ये उनका चरित्र को चरितार्थ करके दिखाता है। और कांग्रेस पार्टी ने निरंतर सिर्फ देश को तोड़ने का काम किया है। भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। कांग्रेस पार्टी को अगर अभियान चलाना है तो कांग्रेस जोड़ने के लिए चलाना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ अधिकतर जिलों में बाढ़ इस समय आई हुई है और बाढ़ की चपेट में पूरा मध्य प्रदेश है। पानी के प्रहार से मचे हाहाकार ने सियासी हलकों में भी हलचल मचा दी है। इसी बीच सूबे के मुखिया शाह के दौरे के बाद पूरे दल बल के साथ पीड़ितों का हाल जानने निकले। उन्होंने कहीं हवाई दौरा किया तो कहीं जनता से मिलने सीधे पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम निवास पर एक हाई लेवल बैठक बुलाई जिसमें संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित रहे। बैठक में सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और बांधों की पूरी जानकारी ली और हर क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। इलाकों से पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के सख्त आदेश दिए हैं। पेयजल की आपूर्ति हो या बिजली आपूर्ति बहाल करने की बात हो, बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। बाढ़ के बाद बीमारियां ना फैले इसके लिए दवा छिड़काव से लेकर साफ सफाई को लेकर भी सीएम शिवराज ने मेडिकल टीम को संगठित होकर काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है ये चुनौतियां हैं, हम संकट से पार जरूर पा लेंगे। सियासतनामा में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबर की। तो छत्तीसगढ़ में आज सियासत गरमाई रही। रायपुर में बीजेपी का हल्ला बोल बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों के विरोध में रहा। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। रास्ते में बैरिकेड्स तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री निवास के करीब तक पहुंच गए थे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग नहीं किया बल्कि यहीं से इनकी गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ। कहीं वाटर कैनन भी नहीं चलाई गई। बिना लाठियों के तैनात जवानों ने हाथों से ही प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। रायपुर विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूड़त सहित कई नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं को देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। कई बसों में नेताओं और कार्यकर्ताओं को सेंट्रल जेल कैंपस भेजा गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि भीड़ सीएम हाउस के इतने करीब तक पहुंच गई। सभा में मंच से भारतीय जनमोर्चा के अध्यक्ष सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कुर्सी खाली करें, भूपेश की जनता आती है। दिसंबर तक सभी सरकारी वैकेंसी को भरा जाए। सुरक्षा के मद्देनजर कई पुलिस ने मार्गों को बंद किया जिसकी वजह से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आज कुल मिलाकर बीजेपी का हल्ला बोल रायपुर में देखने को मिला। तो सियासतनामा में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।